में जब भी आप जाएंगे कॉन्सेप्ट लेके जाएं, कॉन्सेप्ट के साथ कुछ कॉन्सेप्ट जनरेट करना सीखें कि अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट पूछ रहा है क्वेश्चन, मैं क्या कॉन्सेप्ट पुट कर सकता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट जनरेट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट बनाना। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, अब आप वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट जनरेट करोगे, वो सीखना बहुत ज़रूरी होता है। एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन जो आपका, मान लीजिए आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप और अपनी वाइफ के साथ रहते हैं और आपके घर पे 7-8 लोग आ गए घर पे। नर्सिंग ऑफिसर जो था उसके फ्रेंड आ गए और बैठे हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर ने अपनी वाइफ को बोला कि श्रीमती जी चाय बनाओ, 6 लोग 7 लोग जितने भी लोग थे सबके लिए क्या करो, चाय बनाओ। अब चाय बनानी थी, श्रीमती जी उठी और अंदर गई, किचन में जाके चाय बनाना स्टार्ट किया। चाय बनाना जब स्टार्ट किया तो देखा कि चाय में डालने के लिए शुगर नहीं है, देयर इज नो शुगर इन द किचन, किचन में शुगर नहीं है, चाय के अंदर कहाँ से लाएं अब शुगर ही नहीं है। तो श्रीमती जी ने अपने नर्सिंग ऑफिसर को बुलाया और नर्सिंग ऑफिसर को बुला के बोला कि साहब चाय के अंदर डालने के लिए शुगर नहीं है, अब क्या करें। तो नर्सिंग ऑफिसर था बहुत इंटेलिजेंट और ऐसे छोटे मोटे टेंशन लेता नहीं था, कॉन्सेप्ट उसी टाइम तुरंत जनरेट करता था। कॉन्सेप्ट जनरेट करने लगा और बोला अच्छा ये प्रॉब्लम है, अब इसको क्या करें, इस प्रॉब्लम को क्या करें, कैसे सॉल्व करें। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप क्या करो, बिना शुगर के चाय बना के लाओ, बिना शुगर के चाय बना के लाओ। और वापस आके बैठ गया नर्सिंग ऑफिसर दोस्तों के साथ में, ठीक है चाय बना दी बिना शुगर की, लेके आ गई श्रीमती जी। और जब लेके आई तो उसने चाय देने से पहले एक अनाउंसमेंट किया, नर्सिंग ऑफिसर ने किया क्या, एक अनाउंसमेंट किया। और अनाउंसमेंट क्या था, अनाउंसमेंट ये था कि जिसकी भी चाय बिना शुगर की निकलेगी, जिस पर्सन की चाय बिना शुगर की निकलेगी उस पर्सन के घर पे हम सब लोग डिनर करने कल चलेंगे। क्या अनाउंसमेंट किया कि जिस पर्सन के शुगर के अंदर, चाय के अंदर शुगर नहीं होगी, फीकी चाय जिसकी होगी उसके घर पे कल क्या करेंगे, डिनर करेंगे। और फिर सबको दे दिया एक एक कप चाय। अब सबने चाय पीना स्टार्ट कर दिया, चाय पी रहे हैं, चाय की पूरी चुस्कियां ले रहे हैं, सब मजे से चाय पी रहे हैं और सब मजे से चाय पी रहे हैं। और लास्ट में जब उठे तो सबने बोला वाह बहुत अच्छी चाय थी, और एक दो ने तो बोला थोड़ा शक्कर ज्यादा था, बाकी बहुत मस्त चाय बनाई अदरक डाल के आपने। मीन्स एक भी पर्सन ने ये कंप्लेन नहीं किया कि चाय में शक्कर नहीं है, सबने क्या बोला बहुत अच्छी चाय है। और ऊपर से क्या है, कुछ ने एक दो ने बोला शुगर थोड़ी ज्यादा थी, बाकी तो बहुत मस्त अदरक मलाई मार के आपने चाय बनाई। सो ये होता है कॉन्सेप्ट जनरेट करना कि प्रॉब्लम आ गई अब क्या करें, कॉन्सेप्ट लाओ। एमसीक्यू आएगा और एमसीक्यू सामने होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जनरेट करना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्सेप्ट वहां पे बनाना है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपको करनी है। कॉन्सेप्ट जनरेट करना सीखो, कॉन्सेप्ट जब आप बनाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा।